Hi guys, welcome back to another video of Economics for Your Tips. आज बात करने वाले हैं भाई ओजिव. ओजिव, ओजिव, या फिर इसको कौन बहुत अलग अलग ओजाइव और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, मैं इसको ओजिव बोलता हूँ. तो भाई क्या होता है ओजिव, कैसे बनाया जाता है, इसका पता है आप लोगों को? अपन ने पहले पढ़ा था एक जगह, वहां मोर देन और लेस देन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा. पहले ओजिव का मतलब बता देता हूँ, फिर हम मोर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, फिर दोनों का इस्तेमाल करके हम ये बता देंगे कि भाई किस तरीके से सॉल्व किया जाता है या ग्राफ में प्लॉट किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. ओजिव, ओजिव और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज द कर्व विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व. यानी कि यहां हम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट नहीं करेंगे. हिस्टोग्राम में हम फ्रीक्वेंसी लगाते थे, पॉलीगन में हम फ्रीक्वेंसी लगाते थे, फ्रीक्वेंसी कर्व में हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे. यहां हम फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले बताई थी, जोड़ते चलो आती जाएगी. आगे देखिए, दो तरीके के कर्व बनाए जाते हैं, एक लेस देन और एक मोर देन. कम ऑन, एक लेस देन और एक मोर देन. तो भाई लेस देन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल को, ये पहले बताया हुआ है. मोर देन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल को, ये भी पहले बताया हुआ है. दोनों पहले बताए हुआ है, तो आज क्या बताएंगे, आज उसी पुराने को वापस से लेके आएंगे, साथ साथ ग्राफ प्लॉटिंग भी करवाएंगे. तो चलिए पहले बात करते हैं लेस देन मेथड की, किस तरीके से एक नॉर्मल टेबल को लेस देन में चेंज किया जाता है, फिर मोर देन की बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेस देन, देखो भाई पहली चीज, जब भी लेस देन लेंगे तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास का इस्तेमाल करना है. लेस देन जीरो नहीं बोलेंगे इसको, इसको लेस देन फाइव, इसको लेस देन टेन, लेस देन फिफ्टीन, लेस देन ट्वेंटी, लेस देन ट्वेंटी फाइव, लेस देन थर्टी. तो यहां लिखना है आपको लेस देन फाइव, लेस देन टेन, लेस देन फिफ्टीन, लेस देन ट्वेंटी, लेस देन ट्वेंटी फाइव एंड लेस देन थर्टी. मैं कॉमा लगा रहा हूं, आप कॉमा मत लगाना वरना टीचर भी कॉमा लगा के छोड़ देंगे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया इनकी फ्रीक्वेंसी की या क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की. हाँ भाई, लेस देन फाइव, पांच से कम वाले कितने व्यक्ति हैं? पांच से कम वाले व्यक्ति कौन होंगे, जो कि जीरो से पांच में आ रहे होंगे. तो भाई पांच से कम वाले ये, तो लेस देन फाइव कितना है, फोर. लेस देन टेन, दस से छोटे, दस से छोटे इस टेबल में कौन कौन है, दस से, दस से छोटे ये वाले और ये वाले, दोनों को जोड़ा दस से छोटे आ गए दस. लेस देन फिफ्टीन, पंद्रह से छोटे कितने हैं, ये पंद्रह नंबर, पंद्रह से छोटे ये वाले और ये वाले, तो ये भी ये भी ये भी, छह और चार दस और दस बीस. बीस से छोटे कितने हैं, बीस से छोटे ये 20 नंबर, 20 से ये 20 नंबर, 20 से छोटे एक दो तीन चार, तो ये हो गया 20 और 20 30. 25 से छोटे कितने हैं, ये तो ये सारे यहां तक थे 30 और यहां 18 और जुड़ गए तो हो गए 48. 30 से छोटे कितने हैं, 30 से छोटे वालों की बात की, 30 से छोटे पांच नंबर और जोड़ दिए, 30 से छोटे हो गए 53. अब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इसके तात्पर्य से नहीं बनेगा, इनके तात्पर्य से बनाना है. तो चलिए शुरू करते हैं. पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस, यहां फ्रीक्वेंसी कहां तक जा रही, 53 तक, चार से. तो मैं पांच पांच का गैप ले लेता हूं, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस पैतालीस पचास और पचपन. ठीक है, आप चाहें दस दस का गैप ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बन जाता इसलिए हमने नहीं लिया. तो यहां प्लॉट कर देते हैं भाई. हाँ भाई, लेस देन फाइव वाला फाइव पे बनेगा, कितने नंबर है, चार, तो पांच से एक कम, यानी कि यहां. लेस देन टेन वाला बनेगा दस पे,
लेस देन 15 वाला बनेगा 20 पे, लेस देन 20 वाला बनेगा 30 पे, लेस देन 25 वाला बनेगा 48 पे, ये थोड़ा देख लेना सीधा ध्यान से जरा, लेस देन 30 वाला बनेगा सीधा 53 पे, भाई 48 नीचे, ठीक है फ्री हैंड से इसको जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका बन गया पहले तरीके का ओजेव या ओजाइव, जहां पे लेस देन की मदद से हम बनाते हैं, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं मोर देन की, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसी में मोर देन बना लेता हूं, आप अलग से बना लें, मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसी में बना रहा हूं, क्योंकि मुझे एक नई चीज और आपको बतानी है। तो भाई जब मोर देन की बात करते हैं, मार्कर लिया जाए जरा, लाइक हाँ जी, मोर देन की बात करते हैं, तो जब मोर देन का इस्तेमाल करते हैं तो लोअर लिमिट से शुरुआत करते हैं, तो यहां मोर देन में 5-10 नहीं लिखेंगे, लोअर लिमिट इसका इस्तेमाल करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20 एंड मोर देन 25 यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बता देते हैं इनकी, मोर देन 0, 0 ये रहा, यहां से 0, 0 से बड़े कितने हैं, ये सारे सारे 0 से बड़े हैं, तो भाई इन सबको जोड़ दो, आ गया 53। मोर देन 5, 5 से बड़े कितने हैं, तो भाई 0 से 5 वाला रहा, ये रहे 5 से बड़े ये सारे, तो भाई इन चारों को आप जोड़ लीजिए या टोटल में से इस चार को हटा दीजिए, तो ये हो गए 49। मोर देन 10, 10 से बड़े, 10 येरा उससे बड़े यानी कि ये चार, 10 और 10 20 और 10 30, 38 और 5 43। मोर देन 15, 15 से बड़े यानी कि ये तीन नंबर, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 10 20 28 और 33। मोर देन 20, ये दो यानी कि 23, और मोर देन 25 भाई ये रह गया नंबर है 5। प्लॉटिंग करते हैं इसकी, देखिए 0 से बड़ा 53, तो 0 नंबर पे आ गया 53, 5 से बड़ा 49, 10 से बड़ा 43, 15 से बड़ा 33, 20 से बड़ा 23, 20 से बड़ा आ गया 23, 25 से बड़ा हो गया 5। इतनी भारी गिरावट, ठीक है। अब इसको जरा फ्री हैंड से आप जोड़ लें, ठीक है, ये आपका बन गया मोर देन वाला, अलग अलग कर लो, पिछले अभी ये वीडियो में बताऊंगा ताकि आप ये देख सकें कि भैया दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब भाई मोर देन वाला बनाने का मेन मोटिव क्या था, आपको यहां पे पूरा लिखना है कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना है, मैं भी ग्राफ कंस्ट्रक्शन की भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर क्यों बनाया है, क्योंकि जहां मोर देन और लेस देन दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट को आप एग्जैक्टली नीचे ले आइए, ठीक है, तो वो यानी कि आ रहा है करीब 17 या 18 करीब आ रहा है, ये आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा मीडियन, जहां मोर देन एंड लेस देन ग्राफ दोनों मीट कर जाते हैं उस पॉइंट को अगर नीचे तक ले आओ तो उसका एग्जैक्ट जहां पॉइंट टच करता है स्केल से वो आपका कहलाएगा मीडियन, ठीक है। तो गाइस इसके लिए ही मैंने यहां पर मोर देन और लेस देन को एक ही कॉमन करके बनाया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग, कॉमेंट्स ऑन टिप्स, डू लाइक कमेंट शेयर एंड